is Radhika Gaur again here with the session number 3 of your chapter crop variety improvement. तो अभी हम आई मीन टू से हम यहाँ पे इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज का सेशन नंबर 3 क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट डिस्कस करने वाले हैं, इन विच वी आर गोना डिस्कस अबाउट हाउ टू इम्प्रूव क्रॉप्स. क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन विद क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट. द मेन एम ऑफ दिस प्रैक्टिस इज टू फाइंड अ वैरायटी ऑफ क्रॉप विच कैन विदस्टैंड डिफरेंट सिचुएशंस लाइक सॉइल सैलिनिटी, डाइवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस, water availability and can ultimately give a good yield. Crop variety improvement में इस ये जो practice है इसका main aim ये होता है कि हम एक ऐसी crop को की variety को find out करें जो हर एक situation में withstand करे, चाहे वो high soil salinity condition हो, diverse climatic conditions हो, water की availability unavailability हो, या फिर जो ये सब conditions होने के बावजूद भी जो क्रॉप है वो एक गुड यील्ड प्रोवाइड करे. हम ऐसी एक क्रॉप फाइंड आउट करते हैं और उसी को क्रॉप को फाइंड आउट करना इस प्रैक्टिस का मेन एम होता है. क्लियर? सो द मेन एम ऑफ दिस प्रैक्टिस इज टू फाइंड अ वैरायटी ऑफ क्रॉप विच कैन विदस्टैंड डिफरेंट सिचुएशंस लाइक हाई सॉइल सैलिनिटी, डाइवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड वाटर अवेलेबिलिटी एंड कैन अल्टीमेट गिव अ गुड यील्ड. And varieties of crops can be selected by breeding for various traits such as disease resistance, response to fertilizers, product quality and high yield. जो crops की variety होती है उसे हम कैसे select करते हैं? हम breeding purpose के लिए जो भी various traits होती हैं उनका use करते हैं और हम ये ध्यान में रखते हैं कि जो crop है वो disease resistance हो, मतलब उसमें disease आसानी से ना हो. Second, response to fertilizers. फर्टिलाइजर्स को जो क्रॉप है वो परफेक्टली रिस्पॉन्स करे, जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी हमें परफेक्ट मिले और हाई यील्ड मिले, क्वालिटी भी मिले क्वांटिटी भी मिले. क्लियर? तो ऐसी हम एक क्रॉप की वैरायटी अपने पास रखना चाहते हैं. अ न्यू वैरायटी डेवलप्ड विद ऑल सच फीचर्स इज हाईली एक्सेप्टेबल. यदि कोई भी ऐसी क्वालिटी होगी, कोई भी न्यू वैरायटी ऐसी डेवलप होगी जिसमें सारे फीचर्स अवेलेबल होंगे, वो ऑब्वियसली हाईली एक्सेप्टेबल होगी. सिंपल सी बात है, क्रॉप्स को बेटर, हमें यदि हाई यील्ड चाहिए तो हमें कैसी क्रॉप चुननी पड़ेगी? हमें एक ऐसी क्रॉप चाहिए जो एक हर एक क्लाइमेटिक कंडीशन को फेस कर सके, जो डिसीज फ्री हो, जो फर्टिलाइजर्स को रेस्पॉन्स करे, जिसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी हो और वो अच्छी एक क्वांटिटी में हमें उसकी यील्ड मिले. यदि ऐसी क्रॉप हमें मिलेगी ब्रीडर्स के थ्रू तो वो हाईली एक्सेप्टेबल होगी. ठीक है, अब बताती है वेज फॉर इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप वैरायटी. जो क्रॉप वैरायटी है उसमें हम इम्प्रूवमेंट्स कैसे कर सकते हैं? देयर आर टू वेज टू इनकॉर्पोरेट डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स इनटू क्रॉप वैरायटी. यहाँ पे दो वेज हैं जिनके थ्रू हम डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप वैरायटीज को डिजायरेबल कर सकते हैं. दैट इज हमें कैसी क्वालिटी चाहिए, कैसी हमें चाहिए, कैसे हम क्रॉप वैरायटीज के इम्प्रूवमेंट के लिए वेज यूज कर सकते हैं, वो दो वेज है यहाँ पे. फर्स्ट है हाइब्रिडाइजेशन, सेकेंड है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स. तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है? इट इज अ क्रॉसिंग बिटवीन जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स टू प्रोड्यूस न्यू टाइप दैट इज हाइब्रिड और हाई यील्डिंग वैरायटी दैट इज HYV. हाइब्रिडाइजेशन एक क्रॉसिंग होती है जिसके थ्रू हम जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स को यूज करके एक न्यू टाइप की हाइब्रिड क्रॉप का दैट इज फॉर्मेशन करते हैं. जो क्रॉप फॉर्म होती है वो हाई यील्ड वैरायटीज की होती है, इसीलिए हम इसे HYV भी बोलते हैं. क्लियर? दैट हाइब्रिडाइजेशन इज द क्रॉसिंग बिटवीन जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स टू प्रोड्यूस न्यू टाइप हाइब्रिड और वी कैन से हाई यील्डिंग वैरायटीज HYV. अब जो ये हाइब्रिडाइजेशन है इसमें भी काफी सारी क्रॉसिंग्स होती हैं. सबसे पहले आता है हमारा इंटर वैरायटल क्रॉसिंग. इंटर वैरायटल क्रॉसिंग में क्या होता है? द क्रॉस इज मेड बिटवीन टू प्लांट्स बिलोंगिंग टू टू डिफरेंट वैरायटीज ऑफ क्रॉप्स. इंटर वैरायटल क्रॉसिंग नेम से ही क्लियर होता है, वो क्रॉसिंग जिसमें दो वैरायटीज का यूज करें, दो डिफरेंट वैरायटीज का यूज करें. क्लियर? तो ये जो इंटर वैरायटल क्रॉसिंग होती है इसमें जो क्रॉस होता है वो किसके बीच में होता है? वो दो डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज की क्रॉप्स की दो डिफरेंट वैरायटीज के बीच में क्रॉसिंग करी जाती है और उसके थ्रू ही हमें क्रॉप मिलती है. क्लियर? द क्रॉस इज मेड बिटवीन द टू प्लांट्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट वैरायटीज ऑफ क्रॉप अंडर इंटर वैरायटल क्रॉसिंग. क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारा इंटर स्पेसिफिक क्रॉसिंग.
इंटर स्पेसिफिक क्रॉसिंग में क्या होता है, द क्रॉस इज मेड बिटवीन टू प्लांट्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट स्पीसीज ऑफ द सेम जीन्स। ये जो क्रॉस होता है इंटर स्पेसिफिक क्रॉसिंग है, क्लियर है, जो दो डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज होंगी उनके बीच में क्रॉसिंग होगी। सेम इसमें क्या होता है, जो क्रॉस है वो दो प्लांट्स के बीच में होता है, लेकिन जो दोनों प्लांट्स होते हैं वो डिफरेंट स्पीसीज को बिलोंग करते हैं जो कि एक सेम जीन्स के होते हैं। क्लियर, द क्रॉस इज मेड बिटवीन टू प्लांट्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट स्पीसीज ऑफ सेम जीन्स अंडर स्पेसिफिक क्रॉसिंग। क्लियर, इसके बाद थर्ड टर्म आता है हमारा इंटर जेनेरिक क्रॉसिंग। जेनेरिक क्रॉसिंग दैट इज दो डिफरेंट डिफरेंट जेनेरास के बीच में हमें क्रॉसिंग करानी होगी। सो द क्रॉस इज मेड बिटवीन प्लांट्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट जेनेरा। तो इंटर जेनेरिक क्रॉसिंग में क्या होता है, जो क्रॉसिंग है वो दो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट दो प्लांट्स के बीच में होती है जो डिफरेंट डिफरेंट जेनेरा से बिलोंग करते हैं। क्लियर, दैट क्रॉस इज मेड बिटवीन प्लांट्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट जेनेरा अंडर इंटर जेनेरिक क्रॉसिंग। इसके बाद आते हैं फैक्टर्स ऑफ क्रॉप वेराइटी इम्प्रूवमेंट। क्रॉप वेराइटी इम्प्रूवमेंट्स के फैक्टर्स क्या क्या हैं? There are some factors for which crop variety improvement is done. काफी सारे factors हैं जिनके लिए crop variety improvement होता है। जैसे first आता है higher yield. Simple सी बात है, यदि हमें crop improvement करना है, हमें crop improvement हम यदि करते हैं तो उसके लिए कुछ factors होते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए होता है कि जो भी हमारी crop है उसकी हमें एक higher yield मिले, that is वो काफी quantity में हमें मिले। That is variety improvement has been done to increase the productivity of crop per acre. जो variety improvement है वो इसीलिए किया जाता है कि जो productivity है crop की वो per acre increase हो जाए। Example के लिए suppose करो एक crop है जो around 40 to 50 kg per acre दे रही है और एक crop है जो 100 to 150 kg per acre दे रही है, तो आप किसको choose करोगे? Obviously जो हमें 100 to 150 kg per acre देगी। क्यों? क्योंकि जब high yield मिलेगा तो हमें obviously एक better quality crop की मिलेगी, चाहे हम उसे sell करें चाहे अपने livestock के लिए रखें, but the thing is that वो हमारे लिए एक better बोलते ना better beneficial work होगा। clear, उसमें हमारा फायदा ज्यादा है। इसीलिए जो variety improvement है उसे इसीलिए करा जाता है कि जो crop per acre की productivity है वो increase हो जाए। Also, this is very important in order to meet food demand for rapidly growing population. सिंपल सी बात है, जो population लगातार बढ़ती चली जा रही है, उसकी demands को पूरा करने के लिए हमें ऐसी ही crops चाहिए जो एक हमें higher yield provide करे। That is, यदि हमने 1 kg crop को, 1 kg seeds को rear किया है, तो हमें at least, उसका 4th-5th times जाके extra मिले। और बल्कि हायर भी होता है, बट मेरे को इतनी फार्मिंग में नॉलेज नहीं है, बट द थिंग इज दैट हायर यील्ड हमें मिलनी चाहिए। क्लियर, दैट वैरायटी इंप्रूवमेंट हैज बीन डन टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द क्रॉप पर एक्रेस, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू मीट फूड डिमांड्स फॉर रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन। इसके बाद आता है हमारी इम्प्रूव्ड क्वालिटी। जो क्रॉप है उसकी जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव होना चाहिए। अभी हमने स्टडी किया कि क्रॉप है उसकी क्वांटिटी अच्छी होनी चाहिए, क्वांटिटी के साथ साथ उसकी क्वालिटी भी बेटर होनी चाहिए। द डेफिनेशन ऑफ क्वालिटी इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट क्रॉप्स। हर एक क्रॉप के लिए डिफरेंट होती है क्वालिटी की डेफिनेशन। कैसे? बेकिंग क्वालिटी इज इम्पोर्टेंट इन वीट। वीट में जो क्वांटिटी है वो बेकिंग क्वालिटी होती है, दैट इज जो सब्सटेंस है उसकी बेकिंग क्वालिटी बेटर होनी चाहिए। प्रोटीन क्वालिटी इन पल्सेस। पल्सेस में हम देखते हैं कि कौन सी वेराइटी हमें एक बेटर प्रोटीन क्वालिटी प्रोवाइड करेगी। ऑयल क्वालिटी इन ऑयल सीड्स। जब हम ऑयल सीड्स को ग्रो करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि ऑयल सीड्स ग्रो करने के बाद हमें ऑयल की कैसी क्वालिटी मिलेगी। एंड प्रिजर्विंग क्वालिटी इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को ग्रो करने से पहले देखा जाता है कि वो कितने प्रिजर्व रह पाएंगे। क्लियर, तो ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज होती है जिनके बेसिस पे हम देखते हैं कि कौन सी वेराइटी हमारे लिए बेटर है और कौन सी वेराइटी हमारे लिए बेटर नहीं है। क्लियर, that the definition of quality is different for different crops. For example, baking quality is important in wheat, protein quality is important in pulses, oil quality is important in oil seeds, and preserving quality is important in fruits and vegetables. अब इसके बाद आते हैं biotic and abiotic resistance. क्या होते हैं ये? Biotic stress, that is disease, insects and nematodes, and abiotic stress,
like drought, salinity, water logging, heat, cold and frost. Biotic stress वो हो गए जो नॉर्मली हमारे बायोलॉजिकल कैटलिस्ट दैट इज जैसे इंसेक्ट्स हुए, नेमाटोड्स हुए या कुछ डिसीज हो गई, उनकी वजह से जो स्ट्रेस क्रिएट होते हैं उन्हें बायोटिक स्ट्रेस कहते हैं. जबकि एबायोटिक स्ट्रेस वो होते हैं जो हमारे नेचर के विकल से जो नेचर क्रिएट करता है, जो डिस्टर्बेंसेस नेचर क्रिएट करता है, जैसे हमारा ड्रॉट हो गई, ठीक है, सैलिनिटी है या फिर वाटर लॉगिंग है, हीट है या ज्यादा कोल्ड है या फ्रॉस्ट है, ये सब हमारे एबायोटिक स्ट्रेस हो गए. बायोटिक स्ट्रेस एंड एबायोटिक स्ट्रेस बोथ अफेक्ट द क्रॉप प्रोडक्शन टू अ ग्रेट एक्सटेंट. दोनों ही क्रॉप प्रोडक्शन को एक ग्रेट एक्सटेंट तक उन्हें अफेक्ट करते हैं. Varieties resistance to such stress are always preferred as they improve production. Simple है, जब ये factors abiotic stress और biotic stress जब वो crop production को affect करेंगे तो obviously हमें ऐसी varieties required होंगी जो इन factors से, इन stress से resistance रखें. Clear? तो ऐसी वाली जो varieties होती हैं उन्हें हम prefer करते हैं. ऐसी varieties को prefer करते हैं जो disease free हो, जिन्हें insects touch ना करें, जो ड्रॉट्स के, सैलिनिटी के, वाटर लॉगिंग के या ज्यादा हीट कोल्ड से अफेक्ट ना हो, ऐसी वेराइटीज हम अपने प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं. क्लियर? नेक्स्ट आता है चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन. जो मैच्योरिटी ड्यूरेशन में जो चेंज आते हैं वो भी यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं टू डिसाइड अ वेराइटी. शॉर्ट ड्यूरेशन फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग मेक्स अ क्रॉप मोर इकोनॉमिकल बिकॉज इट अलाउज अ फार्मर टू ग्रो मल्टीपल राउंड्स ऑफ क्रॉप इन अ ईयर. जो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स होते हैं, दैट इज जो काफी छोटे टाइम में हार्वेस्टिंग से, आई मीन सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग तक उनका जो टाइम होता है, टाइम पीरियड होता है जिनका शॉर्ट ड्यूरेशन होता है, वो इकोनॉमिकली बेटर होता है. क्यों? क्योंकि उसके बाद सपोज करो कोई भी क्रॉप 2 मंथ में हमने सो करी और उसको हार्वेस्ट भी कर ले, तो 12 मंथ में हम उसी क्रॉप को 6 टाइम्स हार्वेस्ट कर सकते हैं ना. सेम 3 मंथ्स में यदि कोई क्रॉप हार्वेस्ट कर सकते हैं हम सोइंग के बाद, तो 4 टाइम्स उसी क्रॉप को कर सकते हैं. द थिंग इज दैट जितना बेटर और जितना शॉर्ट ड्यूरेशन होगा टाइम मैच्योरिटी का, उतनी ही बेटर हमारी इकोनॉमिकल ग्रोथ होगी, उतना ही फार्मर के लिए वो बेनिफिशियल रहेगा. क्लियर? दैट शॉर्ट ड्यूरेशन फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग मेक्स अ क्रॉप मोर इकोनॉमिकल बिकॉज इट अलाउज द फार्मर्स टू ग्रो मल्टीपल राउंड्स ऑफ क्रॉप इन अ ईयर. नेक्स्ट फैक्टर आता है हमारा वाटर अडैप्टेबिलिटी. Developing varieties that can grow and adapt conditions help in stabilizing the crop production. Simple है, ऐसी varieties को develop करना जो grow कर सके और conditions को adapt कर पाए, help करे crop production को stabilize करने में, वो एक best varieties होती है. Thus a single variety can be grown in different regions with different climatic conditions. इसीलिए यदि कोई भी variety जिसमें water adaptability अच्छी है, तो वो सिंगल वैरायटी को हम डिफरेंट रीजंस में ग्रो कर सकते हैं विद डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस. बाय द वे, इट्स अ टाइम फॉर चैलेंजिंग क्वेश्चन मार्क एंड टुडेस क्वेश्चन इज व्हाट इज इंटर स्पेसिफिक क्रॉसिंग. अभी मैंने आपको बताया था सेशन के स्टार्टिंग में व्हाट इज इंटर स्पेसिफिक क्रॉसिंग, बट आई हैव टू चेक योर रिमेम्बरेंस. सो योर टाइम टू स्टार्ट नाउ. 1 2 3 4 5 टाइम्स अप. So, have you answered this in your mind? Let's check out. Actually, the cross is made between two plants belonging to different species of same genes. Inter-specific breeding, crossing. That is, जो cross है, वो दो different species के plants के बीच में होगा. तो ये जो cross है, वो दो plants के बीच में होता है, जो different species से belong करता है, पर उनका जो genes है, वो same रहता है. Clear? That in interspecific crossing, the cross is made between two plants belonging to different species of same genes. So, what did we learn today? आज हमने क्या study किया? आज हमने study किया ways to crop variety improvement. Crop variety improvements के क्या ways हैं? क्या factors हैं? कैसी crop हमें choose करनी है? और क्या हमें उसका फायदा मिल सकता है? I think this was enough for this session. In next session, we are going to discuss more about this chapter. Till then, good luck.